आपका कहाँ घर है? बेतरी। कहाँ से आ रहे थे? ससुराल से सर। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी। ये एक्सीडेंट जो हुआ ये कैसे हुआ? वो लड़का बीच में आ रहा था, मतलब हम लोग से लड़ गया। आप लोग से लड़ा या आप उनमें धक्का मार दिए? वो सब आकर के बीच में आ रहा था, हम लोग जा रहे थे, लड़ गया। तो आप वहाँ पर तो बहुत सारे साइड था, वहाँ पर उतना रोड चौड़ा है, रोड कोड़ गया था, मतलब कंकड़ हो गया था। तो आपको पता है रोड कोड़ा गया है तो उसके बाद आप गाड़ी स्पीड में क्यों लेके आ रहे थे? 80 की स्पीड में था। तो 80, आप बताइए ये रोड जो है 80 की स्पीड चलाने लायक है? गलती हो गया सर। नहीं नहीं, गलती जो एक्सीडेंट किया है उस लड़का का आप हालात देखे हैं? ना सर, नहीं देखे हैं। वो सब बोल रहा था कि आप लोग दवा करा दीजिए पंडित जी। और उसमें ये बताइए जो दारू के बोतल रखे हैं तो कहाँ से लेके आ रहे हैं? दारू के बोतल से नहीं है, उसमें बियर है। नहीं तो उसमें बियर है, हम अभी देख के आ रहे हैं। ना ना ना, हम अभी देख के आ रहे हैं, आप कहिएगा तो मैं अभी वीडियो आपको दिखला दूंगा। सर अब तो मान लीजिए कोई दूसरी चुनौती होगी, लेकिन हम दारू का बोतल नहीं रखे थे। आप दारू पिए हैं ना? जी दारू पिए हैं ना? जी दारू पिए हैं, लेकिन दारू का बोतल नहीं था। अरे दारू पी के ड्राइव कर रहे थे ना? जी। आपको पता है दारू अभी बिहार में वर्जित है, उसके बावजूद आप दारू कहाँ से पी रहे हैं? गलत से आपको पैर पड़ रहे हैं, गलती से हो गया। जो व्यक्ति को धक्का लगा है आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसको दवा भी सर लोग बोल रहे हैं कि करा दीजिएगा, हम करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के नंबर है गाड़ी। हवा लगे तो जाए, हवा लगे दो, हवा लगे दो, हट। एक आदमी पूरा फट गया, हट गया। हमारे जाले भी मत चलो, यार कोचिंग छोड़ना।